अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद आज एक नई वीडियो के साथ। तरशादा फलों की जो नए पौधे लगाने का जो टाइम है वो कब से कब तक है, आज पे उस पर बात करेंगे। सिट्रसेस के फार्मर्स के लिए आज की इन्फॉर्मेशन है, तो जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। जिन भाइयों ने नई चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर माहिरीन के मुताबिक तरशादा फलों के बागात के अंदर नए पौधे लगाने का जो बेहतरीन टाइम है वो मार्च का महीना है, कि मार्च के महीने के अंदर आप उसे मुकम्मल कर लें, जिसमें आप मौसमी माल्टा, कीनो, कागजी और लीमो और ग्रेपफ्रूट और इस तरह के बहुत सारे फल, जिनके लिए आप कोशिश करें कि सेहतमंद और अच्छे बीजों के लिए आप अच्छी नर्सरी से अच्छे किस्म के पौधों के हुसूल को यकीनी बनाएं। अगर आपने नए पौधे लगाने हैं अपने उसमें, तो इस अमल को कोशिश करें कि मार्च के महीने के अंदर ही कंप्लीट करें। अगर आप मार्च के महीने में अपने इस अमल को पूरा कर लेंगे तो इससे आपके पौधों की जो बढ़ोतरी है वो बेहतरीन और अच्छे तरीके से हो सकेगी। नए बागात लगाने वाले फार्मर्स के लिए लाजमी है कि वो हवा और पानी के निकास के तरफ लाजमी गौर करें कि वहाँ पानी और हवा का निकास का सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपके ज़मीन में पानी का लेवल 5 मीटर के अंदर है, तो उन ज़मीनों पर फलदार जो पौधे हैं उनकी परवरिश अच्छी होती है। ये थी जी आज के चंद पॉइंट्स जो तरशादा फलों वालों के लिए, बागात के लिए लाजमी थे। तो उम्मीद है कि ये फार्मर्स के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो उसको आगे शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।